हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आरकेसी ओनली में। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 24 मई 2018 के आरपीएससी ओनली चैनल के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस न्यूज पर डिस्कस करने वाले हैं वह संबंधित हैं गांडीव विजय से। ये जो गांडीव विजय है ये क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। गांडीव विजय एक मिलिट्री प्रैक्टिस है, कह सकते हैं युद्धाभ्यास है, जो कि राजस्थान के बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ है। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यह एग्जाम ऐसा पूछा जा सकता है कि जो गांडीव विजय मिलिट्री प्रैक्टिस है या युद्धाभ्यास है वो राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ऐसे कोई ऑप्शन दे सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब आते हैं अगली न्यूज पर। यह संबंधित है स्टरलाइट जो प्लांट है उससे संबंधित है। हाल ही में जो स्टरलाइट प्लांट है काफ़ी सुर्खियों में है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो स्टरलाइट प्लांट है वो वेदांता समूह का है और ये वेदांता समूह काफ़ी सुर्खियों में रहता है। एक फिल्म आई थी चक्रव्यू में इससे मतलब जो वेदांता समूह पे याद आई थी, हालांकि वहाँ पे नाम थोड़ा सा एडिट कर दिया गया था। जो स्टरलाइट प्लांट है वो वेदांता समूह का है और तमिलनाडु के तुतीकोरन में स्थित है और ये कॉपर प्लांट है, कॉपर यानी तांबा उत्पादन से संबंधित प्लांट है। अब क्या हो रहा है कि वहाँ तुतीकोरन के जो लोकल लोग हैं वो इस स्टरलाइट प्लांट का विरोध कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि इस प्लांट के कारण उनके एरिया में काफ़ी प्रदूषण हुआ है, काफ़ी बीमारियां बढ़ी है, इवन देन कैंसर जैसी बीमारियां भी बढ़ी हैं। तो थोड़ा सा स्टरलाइट प्लांट सुर्खियों में है, पर्यावरण के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है और मेंस में भी पूछा जाने की संभावना बनी रहती है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये संबंधित हैं एपी डिविलियर्स से, जो कि साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और उन्होंने अब क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से वो संन्यास ले लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। एपी डिविलियर्स एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं, उन्हें मिस्टर 360 क्रिकेट कहा जाता है, 360 क्रिकेट कहा जाता है, क्योंकि ग्राउंड के चारों तरफ शॉट खेलने में उन्हें महारत हासिल थी। थोड़े से उनके रिकॉर्ड के बारे में देख लेते हैं। 2004 में उन्होंने डेब्यू किया था, अपना पहला मैच खेला था। उन्होंने कुल 114 टेस्ट मैच खेले हैं और 114 का दुगुना यानी कि 228 उन्होंने वनडे खेले हैं और 78 उन्होंने 2020 मैच खेले हैं। इसके अलावा आईपीएल में भी खेलते हैं और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की ओर से खेलते हैं। और अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो अभी आईपीएल मैच में उन्होंने हवा में जंप करके एक बहुत ही बेहतरीन कैच किया था, जो शायद इस सदी का सबसे बेहतर कैच है। तो एबी डिविलियर्स वही हैं और एबी डिविलियर्स के नाम एक बेहतरीन रिकॉर्ड है जो भी आपको पता होना चाहिए। 2015 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मात्र 31 गेंदों में, मात्र 31 बॉल्स में सेंचुरी मारी थी और ये अब तक का सबसे तेज शतक है। तो इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए, उनके रिकॉर्ड को लेकर पूछा जा सकता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एबी डिविलियर्स ने अपना जो डेब्यू मैच खेला था, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में खेला हो, वो किस टीम के खिलाफ खेला था जो उन्होंने 2004 में खेला था। तो ये हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। ये संबंधित हैं तेजस्विनी सावंत से। एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा कि तेजस्विनी सावंत हैं उनका संबंध किस खेल से है। तो तेजस्विनी सावंत हैं उनका संबंध जो कह सकते हैं शूटिंग जो खेल है, निशानेबाजी, उससे संबंधित है। उन्होंने हाल ही में जो 50 मीटर राइफल इवेंट होता है उसमें म्यूनिक यानी जर्मनी म्यूनिक में जो शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है, साल का चौथा शूटिंग वर्ल्ड कप, एक साल में जो चार शूटिंग वर्ल्ड कप होते हैं उसका अंतिम जो फोर्थ शूटिंग वर्ल्ड कप है उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, हमें सिर्फ इतना बेसिकली पता होना चाहिए कि तेजस्विनी सावंत का संबंध किस खेल से है, शूटिंग खेल से है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है, इवन देन प्री मेंस साइड हो सके ना क्वेश्चन आए लेकिन मेंस में बन सकता है। ये संबंधित जो न्यूज है वो है कि स्ट्रेसी अम्ब्रास से संबंधित है। स्ट्रेसी अम्ब्रास कौन है? स्ट्रेसी अम्ब्रास अमेरिका की होने वाली अभी तक हुई नहीं है, होने वाली पहली अश्वेत गवर्नर हैं, यानी कि अमेरिका की पहली अश्वेत गवर्नर बनेगी। अब पहले से हम कैसे कह सकते हैं वो गवर्नर बनेगी, तो उनकी जो पार्टी है उनका अमेरिका के जो जॉर्जिया प्रांत है वहाँ की वो स्ट्रेसी अम्ब्रास जो कह सकते हैं गवर्नर बनेगी। तो उनकी जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उनको वहाँ के प्राइमरी इलेक्शन में बहुमत है और उनकी पार्टी ने उन्हें नॉमिनेट किया है, तो नवंबर में जब इलेक्शन होंगे तो वही जीतने वाली है। तो थोड़ा सा अभी से हम नाम थोड़ा सा दिमाग में रख लेते हैं, स्ट्रेसी अम्ब्रास अमेरिका की होने वाली पहली अश्वेत गवर्नर, पूछा जा सकता है, बड़ी क्रांति। जिस तरह भारत में जो एससी और एसटी के साथ भेदभाव होता रहा है या महिलाओं के साथ भेदभाव होता रहा है, तो उसी तरह अमेरिका में जो कह सकते हैं काले और गोरों के बीच काफ़ी भेदभाव होता रहा है। वहाँ पर 1964 तक वहाँ पर काले लोगों को वोटिंग पावर राइट्स नहीं थे, ये देखिए। लेकिन अमेरिका में बड़ी क्रांति हुई,
बराक ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, पहले नहीं बने थे शायद, पहले तो अब्राहम लिंकन थे, ठीक है। तो जो बराक ओबामा भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसके अलावा कह सकते हैं कि अब पहली जो अश्वेत गवर्नर भी बन गई स्ट्रेसी अम्ब्रास, तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब आते हैं अगली न्यूज पर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सुर्खियों में है। एक ज्वालामुखी, एक किलुआ ज्वालामुखी, किलुआ जो वॉल्केनो है तो वो कहाँ स्थित है, तो वो अमेरिका में स्थित है, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो यही समाप्त होती है, मतलब आज का डीएनए यही समाप्त होता है। अब एक दो जो करेक्शन है वो कर लेते हैं। एक हमने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल जो बायोडाइवर्सिटी डे है उसको लेकर डिस्कस किया था, जो कि 22 मई को मनाया जाता है, और 22 मई के डीएनए में हमने डिस्कस किया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के 25 जो मतलब इस वर्ष का जो विषय है वो रखा गया है 25 वर्षों का जैव विविधता संबंधी गौरवपूर्ण इतिहास, ऐसा कुछ विषय या थीम रखी गई है। तो हमने जब इस न्यूज़ को लेकर डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि 25 वर्ष जो पूरे हुए 1972 से पूरे हुए हैं वो गलत फैक्ट है। 25 वर्ष 1972 से पूरे हो ही नहीं सकते क्योंकि 25 वर्ष होते ही नहीं है। 1992 यानी 1992 में पहला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था 22 मई को, और उसी दिन के उपलक्ष्य में 25 वर्ष पूरे हुए तो 2018 में ये थीम रखी गई है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1992 में पहली बार मनाया गया था। इसके अलावा कल के डीएनए में हमने डिस्कस किया था कि बूंदी सबसे गर्म स्थान है, तो बहुत ही बड़ी गलती है, आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, वो पता नहीं कैसे वो न्यूज़ दिमाग में नहीं आई। बूंदी जो सबसे गर्म शहर, वो कल जो परसों का जो तापमान रिकॉर्ड किया गया था उसमें बूंदी सबसे गर्म शहर आया था, ना कि ओवरऑल बूंदी सबसे गर्म शहर है। ओवरऑल में सीरिया के, पाकिस्तान के कई और सऊदी अरब के कई शहर हैं जो काफ़ी आगे हैं, और जहाँ तक अलग अलग जानकारी है जहाँ तक सबसे गर्म शहर है वो 74 डिग्री उसका टेम्परेचर है, तो बूंदी का कहीं नंबर नहीं लगता है। तो उस न्यूज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा। खैर उस न्यूज़ को ज़्यादा देखना ही नहीं, बस बूंदी के इतिहास के बारे में जो कल हमने डिस्कस किया था वो थोड़ा सा बहुत आप अगर आइडिया रख सके वहाँ की पेंटिंग्स के बारे में, ठीक है, और वहाँ पे जो रंग महल स्थित हैं, या फिर वहाँ जो तारागढ़ दुर्ग स्थित हैं उसके बारे में, और उसमें जो तोप हैं गर्भकुंचन तोप, उसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये जो डेली न्यूज़ पेपर एनालिसिस है वो यहीं समाप्त करता हूँ। उसको सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।